टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के शेयर अब फिर से उड़ान भरने लगे हैं। टाटा ग्रुप की एक कंपनी का स्टॉक पिछले कई सत्रों से अपने निवेशकों को कंगाल कर रहा था, इसके खरीदार नहीं मिल रहे थे और आज कोई बेचने को तैयार नहीं है। एक बार फिर अपने ट्रैक पर आ गया है और 9.99% की अपर सर्किट के साथ 127.75 रुपए पर बंद हुआ है। यह पिछले 3 साल में अपने निवेशकों का 1 लाख रुपए के करीब 26 लाख कर चुका है और 1 साल की बात करें तो इसने 487% का रिटर्न देकर धमाल मचा दिया है। इस कंपनी के शेयरों में 1 साल पहले पैसा लगाने वाले निवेशक मालामाल हो गए हैं, लेकिन जिन्होंने इस स्टॉक में 1 महीने पहले पैसा लगाया है वे नुकसान झेल रहे हैं। 1 महीने में उनकी पूंजी में 12.47% की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि 11 जनवरी को TTML का शेयर अपने ऑल टाइम हाई 290.15 रुपए पर बंद हुआ था। 8 मार्च को यह स्टॉक 93.40 रुपए पर आ गया था। TTML का स्टॉक 3 साल में करीब 2507% का रिटर्न देकर धमाल मचाया है, यानी 3 साल पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाने वाले निवेशकों का पैसा अब उछलकर करीब 26 लाख हो गया है। करीब 25,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल वाली टाटा ग्रुप की इस कंपनी पिछली तिमाही का परिणाम आने के बाद इस स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लगता रहा। बता दें कि TTML टाटा टेली सर्विसेज की सब्सिडरी कंपनी है। यह कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। कंपनी वॉइस डेटा सर्विसेज देती है। कंपनी के ग्राहकों की लिस्ट में कई बड़े नाम है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक बीते महीने कंपनी ने स्मार्ट इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज कंपनियों की शुरुआत की है। इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि इसमें कंपनियों को फास्ट इंटरनेट के साथ क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सर्विसेज और ऑटोमाइज कंट्रोल मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्लाउड आधारित सिक्योरिटी है, जिससे डेटा को सुरक्षित रखा जा सकेगा। जो बिजनेस डिजिटल आधार पर चल रहे हैं उन्हें इस लीज लाइन से बहुत मदद मिलेगी। इसमें हर तरह के साइबर फ्रॉड से सुरक्षा का इंतजाम इनबिल्ट किया गया है। साथ में फास्ट इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। लाइव सिटीज आपको आगाह करता है कि बिना सोचे समझे विचार किए शेयर बाजार में कतई इन्वेस्ट न करें। ऐसा करना जोखिम से भरा हो सकता है। लाइव सिटीज के लिए डेस्क रिपोर्ट।